कर्म फलदाता शनिदेव ने हाल ही में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय पद में प्रवेश किया है, जो कि आने वाले समय में कुछ राशियों के लिए धन और समृद्धि का सूचक है। शनिदेव का यह गोचर 12 मई को सुबह 8:10 पर शुरू हुआ और 18 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान 3 भाग्यशाली राशियों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहने वाली है। नक्षत्र के चरण में परिवर्तन शनि महाराज करेंगे तो सभी राशियों पर किसी न किसी प्रकार का वह असर डालेंगे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि शनि का यह जो नक्षत्र के पद परिवर्तन हो रहा है या यह जो चरण परिवर्तन हो रहा है, यह विशेष रूप से 3 राशियों के लिए लाभदायक होने जा रहा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि इन 3 राशियों की किस्मत जो है वह बदलने वाली है। इनके धन में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि। आइए जानते हैं कौन सी है वो 3 राशियाँ। पहली राशि है मकर। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय धन लाभ और करियर में उन्नति का है। आपको नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। इसके अलावा आपके परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा, जो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति में मदद करेगा। इसमें पहली राशि है मकर राशि। मकर राशि को धन लाभ होने जा रहा है, पारिवारिक संयोग पूर्ण रूप से उनको प्राप्त होगा, पदोन्नति होगी। तो मकर राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, उनको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की प्राप्ति होगी, व्यक्तित्व में सुधार होगा और सम्मान प्राप्ति होने जा रही है। दूसरी राशि है वृष। वृष राशि के जातकों के लिए ये गोचर व्यापार और करियर में तरक्की का संकेत दे रहा है। आपको नई नौकरी या प्रमोशन की संभावनाएं दिख रही हैं, साथ ही कोई व्यवसायिक डील आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। तीसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के करियर में बिजनेस में लाभ होता दिखाई दे रहा है। जो जातक व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको उनके व्यापार में लाभ होता दिखाई दे रहा है। और जो नौकरी पैसा है उनको वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट जैसे लाभ होते हमको दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ वृष राशि के जातकों को नई नौकरी, नए व्यवसाय का ऑफर भी प्राप्त होगा और पिता के साथ वृषभ राशि के जातकों के संबंध मजबूत होंगे। तीसरी और अंतिम भाग्यशाली राशि है मिथुन। मिथुन राशि के लोगों के लिए यह समय विवाह और दैनिक आय में बढ़ोतरी का होगा। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और आपको बड़े निवेश से भी लाभ हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों को वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के ऐसे जातक जो अविवाहित हैं, उनके विवाह के योग बनेंगे, शीघ्र उनका विवाह होगा और इन मिथुन राशि के जातकों के लिए आय के नए स्रोत बनेंगे, आय के नए साधन होंगे। तो ये तो थी वो 3 राशियाँ जिन पर शनि देव की कृपा बरसने वाली है। अगर आप इन राशियों में से एक हैं तो तैयार रहिए आने वाले समय में अपार धन और सफलता पाने के लिए। लोकल 18 नर्मदापुरम से दुर्गेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिष आचार्य अनुसार है, लोकल 18 इसके लिए पुष्टि नहीं करता है।